नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार वासियों को और खासकर राजधानी वासियों को काफी लंबे समय से ही बारिश का इंतजार था। मॉनसून आते ही निष्क्रिय हो गया था, उसके बाद उदासी छाई हुई थी, लेकिन कल अचानक झमाझम बारिश हुई। लेकिन आफत तब आ गई कि पटना में महज एक घंटे की बारिश में 250 से ऊपर घरों में पानी घुस गया, पूरे पटना के सड़कों पर जलजमाव हो गया। और जिस वक्त बारिश हो रही थी, लग रहा था कि अगर ये बारिश कुछ देर और हो जाए तो पूरा पटना में जलजमाव हो जाए। आपको बताते चले कि राजधानी वासी काफ़ी लंबे समय से मॉनसून का इंतज़ार कर रहे थे और बुधवार को मॉनसून ने अपना रंग दिखाया तो राजधानी के कई इलाकों में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ गई। नगर निगम की सक्रियता से अधिकतर इलाकों से तो कुछ घंटों में जल निकासी हो गई, लेकिन कंकरबाग इलाके के द्वारिकापुरी रोड नंबर 1 और न्यू पत्रकार नगर में घरों में पानी घुस गया। दोपहर 1 बजे से रात 10 बजे तक सड़कों पर पानी लगा रहा। सबसे अधिक दिक्कत ट्रांसफार्मर मोड़ से दीपक हॉस्पिटल जाने वाली सड़क की है। इस सड़क के आसपास के 5 मोहल्लों के करीब 250 घरों के लोग जलजमाव से घंटों परेशान रहे। साथ ही आपको बता दें, यहाँ संग्रह नालों के चलते सालों से लोगों के घरों में बरसाती पानी घुसता आ रहा है, लेकिन नगर निगम की ओर से इसका ठोस निदान नहीं किया जा सका। आपको बताते चले कि कल 250 घरों में पानी लग गया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि नगर निगम की ओर से हर बार ये दावा किया जाता है कि पटना के सड़कों पर जिस तरीके से काम की जा रही है, बारिश होते ही महज कुछ ही मिनटों में पानी की जो निकासी है वो हो जाएगी, पानी अपने आप निकल जाएगा, जलजमाव की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। हालांकि ये बात भी कुछ हद तक सच है, क्योंकि कल जब घंटों बारिश हुई तो कुछ इलाकों में, चाहे वो प्राइम इलाका ही कह ले, कुछ इलाकों से पानी जल्दी निकल गया। लेकिन वहीं पटना के राजधानी के अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कल महज एक घंटे की बारिश में जलजमाव जैसी स्थिति हो गई, नाला भर गया, कई घरों में पानी लग गए, जो काफ़ी चिंताजनक स्थिति बनी रही। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से कल पटना के सड़कों का हाल था। गनीमत ये रही कि कल महज एक घंटे ही बारिश हुई। अगर बारिश और ज़्यादा होती तो पटना की तस्वीरें और कुछ अलग होती। खासकर पटना में ज़्यादातर लोग जो मकान है वो किराए पर लेके रहते हैं, और जो ग्राउंड फ्लोर पर लोग रहते हैं उनकी समस्या और बढ़ गई थी, क्योंकि उनके घरों में पानी लग गया था। ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ रही थी और डर भी लग रहा था कि अगर ये बारिश और होती है तो उनके घरों में जो उनका रहना है वो दुश्वार हो जाएगा, ऐसे में वो कहाँ जाएंगे, ये मुश्किलें हैं। तो नगर निगम जो अपना दावा करता है, उसको एक बार इस बारे में ज़रूर सोचनी चाहिए कि आखिर राजधानी, पटना राजधानी जैसी जगहों में अगर लोगों को ये समस्याएं झेलनी पड़ेंगी तो पूरे बिहार का क्या हाल होगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।